आज ग्राम तबीजी के ग्रामवासी इसलिए आए हैं जिला कलेक्टर को अपनी समस्या बताने के लिए। हमारी दो समस्या हैं, एक ग्राम के पशु चिकित्सालय में जो डॉक्टर दैया जी लगे हुए हैं वो काफ़ी सालों से लगे हुए हैं मगर समय पर रहते नहीं हैं। उनको फ़ोन करते हैं तो वो कंपाउंडर को दे देते हैं, कंपाउंडर को फ़ोन करते हैं तब मैं अभी आ रहा हूँ, कोई अता पता नहीं रहता। कभी जानवर मर जाते हैं हमें, कभी हमारे जानवर बीमार रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो हमारी एक समस्या है कि डॉक्टर साहब को वहाँ से हटाया जाए, दूसरे डॉक्टर की व्यवस्था की जाए और जिससे हमारे जानवरों की समस्या दूर हो। दूसरी हमारी मेन समस्या है कि गाँव में हमारी गायें जो गौमाता है और बछड़े और सांड घूमते रहते हैं, उनसे क्या किसानों की सारी फसलें चौपट हो जाती है, किसान हमेशा परेशान है। तो हम सभी ग्रामवासियों ने यह सोचा आज कि कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे और उनसे इजाज़त लेवें कि जो हमारी गैस प्लांट के पास चरागाह भूमि पड़ी है उस पर हम ग्रामीण पैसा लगा के तारबंदी करेंगे और उसमें रात में गायें बछड़े और सांडों को उसी में रखेंगे, जिसकी चारे की व्यवस्था हमारा पूरा ग्रामवासी हम किसान करेंगे। और जिला कलेक्टर से हमारी मांग है कि उसके लिए हमें इजाज़त दे दें। और दूसरा काम हमारा ये है कि जब जिला कलेक्टर महोदय हमारी गौशाला को देखेंगे कि अच्छी चल रही है तो सरकार द्वारा भी ये हमें जो भी सहायता दिलाएंगे वो हम ग्रामवासी उसको मंजूर करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भंवरलाल सोनी, जिला किसान सेना प्रमुख। आज हम ग्राम पंचायत तबीजी वासी, जिसमें ग्राम पंचायत के वार्ड पंच भी शामिल हैं, गाँव की दो मुख्य समस्याओं को लेकर आए हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे गाँव में पशु चिकित्सालय कई वर्षों से है, जहाँ पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल दैया वहाँ नियुक्त है, जिन्होंने वर्षों से नियुक्ति के बाद भी किसी पशु का, किसी सिंगल पशु का इलाज नहीं किया है। और आज हमारे दो पशुधन मर जाने पे हमने उनको फ़ोन किया तो बताया कि हम अवकाश पे हैं। सभी ग्रामीणों ने पहुंचकर लगभग 11:30 बजे उस पशु चिकित्सालय के गेट खुलवाएं और आप देखिए, विडम्बना देखिए कि पशुधन गणना की संख्या से और दूध उत्पादन के हिसाब से ये गाँव हमारा तबीजी गाँव आसपास के 10 से 15 गाँवों में अव्वल गाँव है। दूध उत्पादकता ज़्यादा होने के बाद भी, पशु गणना के हिसाब से पशुधन संख्या में ज़्यादा होने के बाद भी वहाँ चिकित्सक मौजूद है पर इलाज नहीं करता है और छुट्टियों पर रहता है और अपने साइन करके और गवर्नमेंट को से वेतन उठाता है। हम सब की मांग है कि सबसे पहले हमारी समस्या जो है पशु चिकित्सक जो है उन्हें हटाया जाए। उनको कई बार हमने शिकायतें की पर उच्च रसौकात के चलते वो हटाए नहीं जाते और अपनी ड्यूटी पर काबिज रहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पशु चिकित्सक अनिल दैया को वहाँ हटाकर किसी सेवाभावी चिकित्सक को लगाए जो पशुधन की सेवा कर सके। दूसरी हमारी मांग है कि आवारा पशु, जिसमें गायें और गोवंश ज़्यादा है, किसान इस समय रात्रि अपनी फसलों में बुआई करता है, पिलाई करता है और ऐसे समय में रात भर रखवाली करनी पड़ती है क्योंकि आवारा गायें और पशुधन है वो गोधन गाँव में हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं। और हमारे चरागाह भूमि जो है गाँव में आवंटित, उस चरागाह भूमि में गाँव वाले एक गौशाला खोलना चाहते हैं। माननीय कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण हटाकर और हमारे गौशाला खोलने का प्रबंध करवाएं, हमें अनुमति प्रदान करें। हेम सिंह टांग, तभी जी।